हेलो एंड वेलकम बैक टू मसाला मिंगल। और आज यहाँ मेरे साथ मिंगल करने के लिए आई हैव द स्वीटेस्ट मोस्ट अडोरेबल लेडी जिन्हें मिलके मेरी नानी याद आ गई। एंड आई थिंक आप सबको आज का एपिसोड बहुत पसंद आने वाला है। विदाउट मच अडू लेट मी वेलकम द अमेजिंग बा। आइए बा, आप इन्हें गुज्जू बहन ना नाश्ता के नाम से जानते होंगे, है ना? आइए, नमस्ते नमस्ते एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। आज आप मेरे स्टूडियो में आए, मैं बहुत 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 आभारी हूँ आपकी। बा इज ओनली स्वीट 80 इयर्स ओल्ड, विल यू बिलीव दैट? अमेजिंग बा। और बा की जो स्टोरी है, उन्होंने जो कुकिंग सबके लिए शुरू की, ये स्टोरी मैं चाहती हूँ कि आप इन्हीं के मुँह से सुनिए। कोविड का समय आ गया और मैं घर में खाना बना रही थी, तो मेरा पोता हर्ष है, उसने मुझे बताया कि दादी तेरे को इतना सारा अच्छा आता है, तो क्यों ना हम बाहर के लिए भी कुछ बनावे और बाहर को दिखाए कि हमें क्या क्या आता है करके। तो कोविड के समय में तो होटलें भी बंद रहती थी, बाहर का खाना भी नहीं मिलता था, तो हमने सोचा क्यों ना हम घर से खाना बना के बाहर सब सोसाइटी में हम पहुँचाए, तो सब लोगों को घर का खाना भी मिलेगा और जिसको होटल में नहीं मिलता है उसको भी मिल जाएगा। और कोविड के समय में हम हॉस्पिटल में भी खाना हमारे घर से बना के फ्री में सप्लाई करते थे कि वो लोग बेचारे भी खा सके। वाह वाह वाह। और सबको इतनी पसंद आती है इनकी रेसिपीज, बहुत ही अच्छा लगता है सबको। ये स्पेशल टिपिकल ट्रेडिशनल गुजराती डिशेस बनाती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मसाला मिंगल में आज एक पंजाबी और एक गुजराती का मिंगल हो जाए। एज यू कैन सी मैंने भी गुजराती साड़ी पहनी हुई है। आज बा आप हम सबके लिए क्या बनाने वाले हैं? अरे अभी तो दिवाली आ रही है, हाँ। तो क्यों ना हम दिवाली स्पेशल कुछ बनाएं। तो बोलो क्या बनाऊं? और क्या बनाऊंगी? चोरा फली। हाँ। तो चलिए आज मेरे चैनल में अमृता राइट एंड शेफ एंड बियॉन्ड में गुज्जू बहन का नाश्ता हो जाए। लेट्स मेक चोरा फली। अब हम चोरापली बनाने की तैयारी। अच्छा, पहली बात तो आप मुझे जी नहीं बोलेंगे, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, तो आप मुझे अमृता बुलाइए, अम्मू बुलाइए, मार के जो बोले अरे सुन वो भी चलेगा। तो अमृता, मैं पहले ये चने का आटा लूंगी। ठीक है, तो ले लूं? ले लीजिए। अब ये किचन आपका है, तो आपको जो करना है आप कीजिए। तो चोरापली बनाना हमने शुरू कर दिया है। चने का आटा गया है एक बारात में, साथ में क्या? साथ में डालता है मैं उड़द का आटा। उड़द का आटा, ठीक है। उसमें मैं डालूंगी नमक, स्वाद अनुसार हमें थोड़ा नमक डालना है। तो इसमें हम डालेंगे सोडा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, जो थोड़ा हमने गुनगुना गर्म किया है वो। देखिए आजकल लोगों को साड़ी पहनने से लगता है कि बाप रे साड़ी पहन के कैसे कुकिंग करते हैं। मेरी मम्मी भी सिर्फ साड़ी पहन के ही खाना बनाती थी, देखिए यहाँ बाबी साड़ी पहन के कितनी कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस है ना, उन्हें हमें वापस लेके आना चाहिए, है कि नहीं बा? जरूर, सबको साड़ी पहननी चाहिए। नहीं, अभी जमाना ही अलग हो गया है, जमाना तो अलग होता रहेगा, पर थोड़ा हमारे पुराने जो रूट्स हैं वो हमें भूलने नहीं चाहिए, है ना? बराबर है। चलिए अभी आप कंपल्सरी जब आप शादी रहती है तो साड़ी ही पहनते है ना, थोड़ा आप जीन्स और पहनकर शादी करेंगे। एकदम करेक्ट बात बोला, शादी के टाइम सब साड़ी पहनते हैं, लेकिन उसके बाद सब पैकअप हो जाता है। अब मैं पानी डाल के आटा गूंद देती हूँ। बना रहे हैं ये डो, मैं आपके उंगलियों को ही देख रही हूँ, इतने स्वीटली पेशेंस के साथ आपने इतना प्यारा डो बना दिया। ये मेरा चोरा फली का आटा गूंद के रेडी हो गया है।
आप देखिए कैसा इसको, बापरे काफी हार्ड है ने? हाँ, तो लेकिन उसे थोड़ा कूट के हमें नरम करना है। ठीक है, मैं आपको कूटने के लिए देती हूँ। ओके, चलिए इसको कूट लेते हैं। अरे वाह, चलो अब हम इसे बेल लेते हैं, बाद में फ्राई कर लेंगे। डन। तो आप जब तक बेलती हैं, मैं यहाँ पे गैस ऑन कर देती हूँ। ओके। आप यहाँ कुकिंग कर रही हैं ना, तो मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बचपन के दिनों में पहुँच गई हूँ। मैंने भी सारी कुकिंग अपनी बाप अपनी माँ से सीखी है। माँ काम करती थी और सुबह सुबह मुझे यहाँ अपने पास स्टूल में बैठा देती थी और वो खाना पका रही होती और मैं देखते देखते मैं सीख गई। तो 8 साल की उम्र में मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, थैंक्स टू माई मदर। तो आज वैसे ही वही दिन याद आ रहे हैं। आपने तो देखा हुआ कि चोरापड़ी कैसे बन रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी सही है या गलत है? आपको मैं कैसे जज कर सकती हूँ? सोचिए तो, आप लोग के जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल की होती है बा। तो बड़े बड़े शेफ भी आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। नहीं, जो नहीं, आप लोग कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। और इतना हार्ड आटा गुन्ना, वो भी एक वो भी एक कला है। मैं देख रही थी, ये देखा चोरापली का आटा, मेरा रोटी तैयार हो गया है। अब हम इसमें से बनाएंगे चोरापली। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम चोरा फली के ऊपर डालने का मसाला मिक्स कर लेते हैं। लवली। तो उसके लिए आप ले रहे हो लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा में ये काला नमक, काला नमक। लवली। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बढ़िया फूल गए। आपने देखा हमारी चोरा फली तैयार हो गई। हम उसे प्लेट में निकाल लेते हैं। लेकिन जब ये चोरा फली गर्म है तभी ही मसाला डालना है, तो अच्छी तरह चिपक जाए। अरे अमृता जी, आप एक चक्के तो देखिए। हाँ, मैं तो वेट कर रही थी, आप तो इतना फट फट सब कर रही थी, मुझे लगा शायद आप मुझे मौका ही नहीं दो खाने का। इसकी शेप भी बड़ी मजेदार बनी है। सुपर्ब, इतना क्रंची, इतना मजेदार और अंदर से इतना फ्लेकी है। आप भी ट्राई कीजिए। आपको एक मैं अपने हाथों से खिलाऊं। अच्छा, बहुत ही मजा आया। मजा आया ना? चलिए हम इसी तरह और भी बना लेते हैं चोराफली। हाँ। तब तक आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बा का चैनल है गुज्जू बहन ना नाश्ता, और मेरा क्या चैनल है बा? तुम्हारा चैनल है अमृता राइचर शेफ एंड बियॉन्ड। चलिए राइचर शेफ एंड बियॉन्ड। परफेक्ट। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए मेरे चैनल पे और इतनी अच्छी डिश मेरे लिए बना के दी, मजा आ गया। थैंक यू। हाँ, लेकिन तू चली कहाँ? जाना नहीं है? नहीं, अभी मेरा चैलेंज तो बाकी है। ओह हाँ, बोलिए बोलिए। मैं देखती हूँ कि पंजाबी लड़की मेरी चोरा फरी के साथ कुछ सरप्राइज के साथ क्या बना सकती है। अरे बाबा, ये तो बड़ा बड़ा चैलेंज हो गया। पंजाबी लड़की को क्या गुज्जू नाश्ता बनाना पड़ेगा? जी। ओके देन। और आपके चैनल के लिए? हाँ जी। अच्छा, चोरा फली के साथ कुछ और दे रहे हैं आप मुझे? मैं मुझे आलू दे रही हूँ। आलू? आलू से तो बहुत सारी चीजें बनती है। बन तो सकती है। ठीक है, चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि पंजाबी एक गुजराती नाश्ता बना सकती है कि नहीं। पर वो देखने के लिए कहाँ जाना होगा उन्हें? उन्हें जाना होगा मेरी चैनल पे गुज्जू बहन ना नाश्ता। चलिए ठीक है, वहां मिलते हैं पंजाब का तड़का के साथ। ओके, बाय बाय। एंड बाय टू यू।